लोकस इन आर्गेंट प्लेन। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ लोकस क्या होता है। लोकस हमने बताया था, बताओ। डॉट डॉट होते हैं हाँ, तो उस पे जो उनका अंदर जो लाइन होती है करीब करीब वो डॉट बन जाते हैं। हाँ, तो एक लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये जो डॉट्स होते हैं ना इनको बोलते हैं मूविंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? मूविंग पॉइंट्स। मूविंग पॉइंट्स से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं लोकस। या लोकस को ये भी बोल सकते हैं कि लोकस इज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट्स, किसी भी मूविंग पॉइंट्स का जो पाथ बन रहा है उस पाथ को अगर ट्रेस किया जाए तो वो क्या होगा? वो लोकस होगा। अगर वो मूविंग पॉइंट सर्कुलर वे में चल रहा होगा, अगर पॉइंट सर्कुलर वे में चल रहे होंगे तो जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। ठीक है, अगर अगर वो मूविंग पॉइंट्स एक लाइन में चल रहे होंगे तो क्या बनेगा? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर वो सर्कुलर वे में चल रहा होगा तो क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। तो लोकस का मतलब समझ गए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट तो है लेकिन आपके 11th में सिलेबस से कट गया है। अब आपके स्कूल वाले पे डिपेंड है कि ये वाला पार्ट सिलेबस में रखा है या नहीं रखा। इस वजह से ये पढ़ा रहे, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस इस पार्ट को प्रोसीड करने से पहले तीन चीजें याद करना है, तीन चीजें याद करना है। जैसे पहली चीज क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन किस लोकस को रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स और वाई उसकी पावर क्या है? 1 है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये पहली चीज आपको याद करनी है। दूसरा क्या याद करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक यानी इक्वेशन को पहचान लो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल को। उस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल ए। और इसी सर्किल का जो सेंटर है क्या है? सेंटर, वो है ओरिजिन पे। अगर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन दिखे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक सर्कल को। और उसका रेडियस क्या है? ए। उसका सेंटर कहां पर होगा? ओरिजिन पे होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या होगा? जिसका रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 या फिर 3 होगा क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को, ये आपकी जो मेन इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी 3, जो कि क्या होगा? रेडियस।
अगर पूछा जाएगा कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो सेंटर क्या बता देंगे, सेंटर 0.0 पे होगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरा क्या है, अगर कहीं पर भी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर के फॉर्मेट में, इस फैशन में कोई भी इक्वेशन लिखी हो या कोई अलग ढंग से लिखी हो, उसको इस फॉर्मेट में जब लिख दी जाए, तो ये रिप्रेजेंट भी कर रही है एक सर्कल को। किसको? एक सर्कल को। यहां पर देखो, ये कौन से डिग्री की इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है, 2। तो कोई भी अगर 2 डिग्री की इक्वेशन हो और इस फॉर्मेट की हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। और इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस a होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा, h कॉमा k पे होगा। सेंटर कहां पे होगा, h कॉमा k पे सेंटर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन लिखे ले रहे हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों एक जैसी दिख रही है, दोनों को कंपेयर करके सबसे पहले a की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद h की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद k की वैल्यू निकालना है। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके a की वैल्यू क्या निकल आई, a की वैल्यू आ गई अंडर रूट 16, यानी कि 4 आ गई। h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू भैया 3 आ गई। अच्छा, k की वैल्यू क्या आई, -4 आ गई। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को जिसका रेडियस क्या है, 4 है, जिसका रेडियस a, और a की वैल्यू क्या है, 4 आई है, और जिसका सेंटर कहां पे है, सेंटर है h कॉमा k के ऊपर। h और k की वैल्यू अपन लोगों ने निकाल ली है, h की वैल्यू क्या है, 3, -4। तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका रेडियस है 4 यूनिट, और जिसका सेंटर है किस पे, 3, -4। आपके पास सवाल कैसे आएंगे, सवाल आपको या तो इस फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, या इस फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, या फिर इस फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। आपको ट्रेस करना बोला जाएगा कि ट्रेस करो। तो अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन होगी, तो आप एक सीधी लाइन बनाओगे। अच्छा, उसका प्लॉट कैसे करोगे, ब्लॉक डायग्राम से उसको प्लॉट करोगे। अच्छा, अब ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये नई चीज बता दी, ये नई चीज नहीं है, ये वही क्लास नाइन्थ की है। एक्स और वाई, एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जब वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको एक पॉइंट और दो पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे इस दो पॉइंट को कहीं पर भी प्लॉट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमने ट्रेस कर दिया। समझ गए कैसे ट्रेस करना है, ब्लॉक डायग्राम से, या ब्लॉक मेथड इसको बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास हमने इक्वेशन क्या ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ली थी। ठीक है, 9। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने देख लिया, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, 3 है, और जिसका सेंटर क्या है, 0.0। तो हम लोगों को सेंटर तो मिल गया,
तो सेंटर हम लोग कार्टीशन प्लेन पे, एक कार्टीशन प्लेन बनाया, या फिर हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन बनाया। तो सेंटर हमारे सर्कल का कहाँ पे है, 0.0 यानी कि ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे सेंटर बना दिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 3 है, तो यानी कि 3 यूनिट पर, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 3 यूनिट है। टूल बॉक्स में चलते हैं और हमारे पास है ये कंपास, तो कंपास ही बोलते हैं ना, ये हमने 3 पे लिया और इसको 3 पे ये लाए हैं, ये देखो बन गया एक सर्किल, ठीक है, ये देखो ये एक सर्किल बन गया और इसका रेडियस क्या है, रेडियस है 3 यूनिट, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है, 0.0। तो हमने इस इक्वेशन को किस तरीके से ट्रेस करना है ये भी देख लिया। अब हमारे पास तीसरी फॉर्म आती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। हम लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया था, एग्जांपल से इसके सेंटर निकाल दिए थे और इसका रेडियस निकाल लिया था। अब इसको ट्रेस करना है, ट्रेस कैसे करेंगे, बस वैसे ही ट्रेस करेंगे, पहले एक आर्गेंट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन को अपन लोगों ने ड्रॉ करना है। हमारा सेंटर कहाँ पे था, 3.-4 पे था, तो सबसे पहले 3.-4, 1, 2, 3, 4, -4 यानी कि नीचे, 1, -1, -2, -3 और -4, ये आपका यहाँ पर कहीं पर हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर हो गया। अब हमारे पास क्या है, रेडियस कितना है बेटा, 4 है, यानी कि 4 यूनिट है। तो देखो एक यूनिट, दो यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी कि इसका रेडियस इस तरीके का होगा यहां से लेकर के, यानी कि ये सर्किल हमारी एक्स एक्सिस को पास करता हुआ जा रहा होगा, पास बोले तो छूता हुआ जा रहा होगा। कोई भी लाइन किसी भी सर्किल को टच करती हुई जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो हमारा जो रिक्वायर्ड, जो डिजायर्ड सर्किल होगा उसका टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। फिर से हम लेकर आ रहे हैं एक कंपास को, ये है और हमारा जो रेडियस है वो कितना है, वो 4 यूनिट है, इसको बना लेना है, ये एक सर्किल बना लिया, सर्किल बना लिया, इसकी आपका रेडियस क्या है, 4 यूनिट है, और इसका जो सेंटर है वो सेंटर क्या है, 3.-4, समझ में आ गया। सेंटर को डिनोट कर रहे हैं ओ से और ये आपका इसको ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये 3 इक्वेशन आपको याद करनी है, तीनों फॉर्म याद करने हैं, एक रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को, बाकी दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्किल को। अगर कोई सी भी डिसऑर्डर्ड हमारे पास इक्वेशन आती है तो उस डिसऑर्डर्ड इक्वेशन को या तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे या फिर इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और जो तरीका बताया है दोनों इक्वेशन को किस तरीके से ट्रेस करना है वो उस तरीके से ट्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको, इसके जो सवाल है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग अजम्पशन मांगते हैं, z इज इक्वल्स टू मानते हैं x प्लस आयोटा y। हर जगह पर आपको क्या रखना है, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि सारे रियल पार्ट को एक साथ लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर 2+3 आयोटा प्लस 4-2 आयोटा है, तो रियल पार्ट साथ में लेना है, यानी कि 2+4 6 प्लस आई,
यानी कि हम लोगों को दूसरे स्टेप में ए प्लस आयोटा बीटा के फैशन में लिखना है। फिर उसके बाद तीसरी क्या चीज है जो हमें गिवन इक्वेशन दी है, गिवन कंडीशन जो हमें दी है, गिवन कंडीशन जो सवाल में दी होगी कंडीशन, उस कंडीशन को फॉलो करना है, उस कंडीशन को फॉलो करना है। जैसे हम लोगों को अगर मॉड ऑफ जेड इज लेसर देन वन दिया है तो इस कंडीशन को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले जेड की वैल्यू को क्या रखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई रखना है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज लेसर देन वन। फिर उसके बाद मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और क्या था, लेसर देन वन। फिर उसके बाद अंडर रूट को हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर देन वन आ जाएगा, स्क्वायर का चला गया। ये आपका कौन सा साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी का साइन रूट के हटाने से या रूट के लगाने से या स्क्वायर के हटाने से या स्क्वायर के लगाने से चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज होता है जब हम लोग प्लस को माइनस बनाते हैं या माइनस को प्लस बनाते हैं या फिर माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर देन वन। चलो हमने यही पहला एग्जाम्पल ले लिया, इसको सॉल्व करना है और इसको ट्रेस करना है। पहला पूछ रहा है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये निकालो, दूसरा कह रहा है कि इसको ट्रेस करना है। तो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में कायदे से सॉल्व नहीं हो पाता है, इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन ले लेंगे। अभी हम लोगों ने दूसरी वाली कंडीशन देखी है, एक्स स्क्वायर ये कैसी दिख रही है, वो दूसरी वाली की तरह दिख रही है। कौन सी वाली की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसके जैसे दिख रही है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, ये है। और ये किसके कंपेयर हो कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला पार्ट हो चुका है। दूसरा पार्ट क्या है, ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए हम लोगों को दो चीजों की जरूरत है, पहली क्या, एक सेंटर, क्योंकि सर्कल तो अब कंफर्म हो चुका है, सर्कल तो कंफर्म हो चुका, तो सर्कल को ट्रेस करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक है सेंटर और दूसरा है रेडियस। अगर ये चीज लाइन कंफर्म हो जाती तो लाइन को ट्रेस करने के लिए क्या जरूरत होती है, लाइन को ट्रेस करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, लाइन को ट्रेस करने के लिए कोई भी दो पॉइंट की जरूरत होती है। दो पॉइंट को हम लोगों ने अभी मार्क किया था, दो पॉइंट को मार्क किया था, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया था तो एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस हो गई थी। ठीक है, तो अगर किसी भी लाइन को ट्रेस करना है तो दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। दो पॉइंट को निकालेंगे कैसे, अगर दो पॉइंट नहीं मालूम है, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा, एक बार वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे और एक लाइन बना देंगे दोनों पॉइंट से पास होती हुई, तो वो लाइन ट्रेस हो जाएगी। अब सर्किल को दो चीजों की जरूरत है, एक सेंटर और एक रेडियस। भैया ऐसी इक्वेशन का सेंटर किसपे होता है, ओरिजिन पे होता है, जीरो कॉमा जीरो। और ऐसी इक्वेशन का रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा ए, जब इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली जनरल इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ए इज इक्वल टू वन। फिर चलेंगे जब इन दोनों को ट्रेस करना है, भैया ट्रेस किस पे करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन पे या फिर आर्गेंट प्लेन पे। तो हमारा जो सेंटर है वो तो हमारा ओरिजिन पे है,
सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन यानी कि 0,0 पे है, और हमारा रेडियस कितना है, रेडियस है 1, यानी कि इसको एक 1 को हमने बड़ी यूनिट ले ली, अगर मैग्नीफाई करके दिखाना है। फिर आ जाएगा हमारा एक कंपास, कंपास के बाद इसको रखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको एक सर्कल बना देंगे। सर्कल बनाने के बाद ये हमारा सर्कल ट्रेस हो गया। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है भैया। क्यों नहीं काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो हमारी मेन इक्वेशन थी उस मेन इक्वेशन में भैया इनइक्वालिटी थी। हम लोगों ने अपने काम को आसान करने के लिए इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। इनइक्वालिटी कह रही भैया अभी हमें भी तो शामिल करो। लेसर देन वन का मतलब क्या होता है, लेसर देन वन बोले तो इस सर्किल के अंदर जाना पड़ेगा, तो यानी कि लेसर देन वो बोले तो इसको शेड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिजायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। यही ट्रेस करना है, हो गया काम। अगर लेसर देन की जगह ग्रेटर देन वन होता तो उसकी तो क्या करते, तो भैया बाहर का शेड कर देते। समझ में आ गया, ये ट्रेस करना होगा।